बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ पिशावर में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। कारकुन का एस्को दफर धावा, दीवारें फलांग कर दफ्तर में घुस गए। पीटीआई की रहनुमा आयशा गुल ने कहती है इजाफे बिल देने का सिलसिला बंद किया जाए। कारकुनों को पर अम रहने को कहा। 90 न्यूज से खसूसी गुफ्तगु। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ पार्टी फंडिंग में खुर्द बुर्द केस की समा। तहरीक इंसाफ आज भी इलेक्शन कमीशन में पार्टी अकाउंट्स की तफसीलात जमा नहीं करा सकी। 2015 के ऑर्डर में दस्तावेजात मांगी गई, अभी तक नहीं मिली। चीफ इलेक्शन कमीशन मेंबर इलेक्शन कमीशन इरशाद कैसर की 30 मई तक पार्टी अकाउंट्स की तफसीलात जमा कराने की मोहलत। तारिक फातमी से मुताल्लिक गलत ट्वीट पर माजरा चाहता हूं, ट्वीट भी डिलीट कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक कहते हैं नवाज शरीफ ने अपने भाई को बचाने के लिए मॉडल टाउन केस रिपोर्ट और साहिबजादी को बचाने के लिए जॉन लीक्स रिपोर्ट छुपाई। दानियाल अजीज के खिलाफ तौहीने अदालत केस दायर करने जा रहे हैं। इमरान खान इश्तिहारी हैं, गिरफ्तार किया जाए। उनके 2014 के वारंट गिरफ्तारी मौजूद हैं। दानियाल अजीज कहते हैं एहतसाब मांगने वाले जवाब अब अदालत और इलेक्शन कमीशन से भाग रही है। इमरान खान जिन गाड़ियों और जहाजों में घूमते हैं क्या कभी उसका जवाब दिया है? तहरीक इंसाफ गैर मुल्की पाकिस्तानी के पैसे खाती है। ट्रांसपोर्टर्स की हठधर्मी बरकरार, हड़ताल 9वें रोज भी जारी। ट्रांसपोर्ट माफिया ने अदालती हुकुम और हुकूमती रेट की धज्जियां उड़ा दी। बंदरगाहों पर कंटेनर्स रखने की गुंजाइश खत्म। कंटेनर्स लाने वाले जहाजों की खुले समंदर में लाइनें लग गई। 9 दिनों में 214 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन मुतासर हुई। पानामा स्कैंडल से मुतालिक जेआईटी की तहकीकात, वाजिद ज़िया की सरबराही में 9वें रोज का इजलास। मुख्तलिफ इदारों से हासिल होने वाले रिकॉर्ड का जायजा। जेआईटी 22 मई को सुप्रीम कोर्ट में कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट में विशाल कत्ल केस की सबात, बाकी के असल मुहरिकात कुछ और हैं। पुलिस सारे मामले में कहां थी इसका तायुन भी होना चाहिए। वीडियोस किन की जानिब से बनाएंगे चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मर्दान पुलिस को 3 हफ्तों में रिपोर्ट मरतब करके चालान पेश करने की हिदायत। आज का पाकिस्तान पुरअतमाद और सरमायाकारी के लिए तैयार है। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान में सी पैक के तहत नो जोन बनाए जा रहे हैं। पन बिजली के अलावा पाकिस्तान में मुख्तलिफ जराए से बिजली पैदा करने के वसी मौके मौजूद हैं। हांगकांग में पाकिस्तान सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कराची में जहांगीर रोड नंबर 2 पर घर में डकैती की वारदात। डकैती के दौरान घर का मालिक छत से छलांग लगाकर जान बहक। डाकों की फायरिंग से एक शख्स जख्मी। मुतासरा खानदान के मुताबिक मरने वाले हैदर को डाकों ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था। PIA टोरंटो ऑफिस ने संगीन बेजाब्त किया। कौमी खजाने को 2.93 अरब करोड़ रुपए का नुकसान। गैर कानूनी भर्तियों, बगैर टेंडर होटल हासिल करने के इंकशाफ की रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को इरसाल। रॉ एनडीएस के बाद CIA और मुसाद भी पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म। असास इदारे मुतहरिक, खसूसी रिपोर्ट्स रोजनामा नाचिटी न्यूज का हिस्सा। And that's it, 5,000 for Miss Ball Hack in Test cricket. Leading centurion in the history of Pakistan. Kashme Ma Roshan, Dile Ma Shad, West Indies mein tareekhi kamyabi ke baad legend cricketer Miss Ball Hack watan wapas pahunch gaye. PCB hukam ne airport par Miss Ball Hack ka istiqbal kiya. Kehte hain series mein wo kar dikhaya jo kai dusre nahi kar sake. सूजी की मौत हार्ट अटैक से हुई। जोड़ों में दर्द था, वजन भी बढ़ चुका था। लाहौर चिड़ियाघर की हथनी की मौत की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज 7 रुकनी इंक्वायरी कमेटी को पेश की जाएगी। स
सऊदी अरब की मदीना यूनिवर्सिटी में तलबा की जानिब से छठा सकाफती मेला। खलीजी और अफ्रीकी ममालिक के अलावा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने भी रिवायती स्टॉल्स लगाए। पाकिस्तान के स्टॉल को पहला नंबर दिया गया। मकबूजा कश्मीर के जिला शोपिया में काबिज भारतीय फौज और पुलिस का सर्च ऑपरेशन। हजारों फौजियों और अहलकारों पर शोपिया के कई देहात का मुहासरा। भारतीय आर्मी चीफ भी आज मकबूजा कश्मीर का दौरा करेंगे। कराची में रेसलिंग के आलमी मेले का आगाज आज से होगा। मुकाबले केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होंगे। दुनिया भर से 25 रेसलर्स शिरकत कर रहे हैं, 4 खवातीन भी शामिल। कैंडी क्रश डिवाइन स्वीट टेस्टी डिलीशियस। नेवर ईटन अनदर पीस ऑफ कैंडी एवर अगेन। हाई फाइव, डोंट डू इट। सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स में इंसानी जज्बात की इक्कासी करने वाले इमोजीज अब फिल्मों में भी एंट्री के लिए तैयार। एडवेंचर और कॉमेडी से भरपूर हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म द इमोजी मूवी का फाइनल ट्रेलर जारी। 28 जुलाई को सिनेमाघरों का रुख करेगी। और अगर मोहब्बत ना करते तो हुकूमत करते। जापानी शहजादी आम शहरी से शादी के लिए शाही एजाजात से दस्तबरदार होने को तैयार हो गई। जापान के बादशाह की नवासी शहजादी माकोका को क्लास फेलो से मोहब्बत हो गई। शादी करने का फैसला कर लिया।